ऑलराइट, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्पोर्ट्स अनाउंसमेंट पे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। बीसीसीआई ने 9th एपेक्स काउंसिल मीटिंग में हाल ही में घरेलू सीजन इंटरनेशनल होम मैचेस शेड्यूल को जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसकी शुरुआत होगी वर्ल्ड कप T20 विश्व कप वर्ल्ड कप जो होने वाला है अभी UAE में, उसके फाइनल का यानी कि 14 अक्टूबर के 3 दिन बाद यानी कि 17 अक्टूबर से जो है घरेलू सीजन की शुरुआत होगी। जो पहला सीरीज होगा वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, और जहां पर 3 T20 खेलेंगे और 2 टेस्ट मैच खेलती हुई नजर आएगी न्यूजीलैंड और भारत उस समय। तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं फिक्स्चर्स किस तरीके से हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस वक्त न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में यहाँ पर 17 नवंबर से सीरीज की शुरुआत होगी, जिसमें 17 नवंबर को पहला T20 जयपुर में खेला जाएगा, उसके बाद 19 नवंबर को दूसरा T20 रांची में, और उसके बाद तीसरा जो T20 है वो कोलकाता के मैदान में खेला जाएगा, ईडन गार्डन्स मैदान में। इसके बाद जो है 2 टेस्ट मैच होते हैं। पहला टेस्ट मैच जो है न्यूजीलैंड के साथ भारत का वो 25 नवंबर को खेला जाएगा कानपुर के मैदान में, और इसके बाद जो आखिरी टेस्ट मैच जो यानी कि दूसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 दिसंबर को ये खेला जाएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी विराम लग जाता है इस सीरीज को, और इसके बाद 3 दिसंबर के बाद जो है भारत करेगा बाहरी दौरा। बाहरी दौरा मतलब कि साउथ अफ्रीका टूर रहेगा भारत का, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर से होगी और अगले साल यानी कि नए साल 2022 में 26 जनवरी तक यहां पर जो है इंडियन क्रिकेट टीम टूर करती हुई नजर आएगी हमें साउथ अफ्रीका के लिए, जहां पर उन्हें 10 मैचेस लगभग खेलने होंगे। तो ऐसा उम्मीद है कि 10 मैचेस होंगे, उनका अभी तक शेड्यूल नहीं आया हुआ है, तो जैसे ही शेड्यूल आएगा वो भी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। फिर उसके बाद जो है फरवरी में वापस इंडिया आएगी वेस्ट इंडीज की टीम, यानी वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया होगा, जहां पर 6 फरवरी से जो है इस टूर की शुरुआत होगी, जिसमें पहला ODI मैच होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसके बाद दूसरा जो है 9 फरवरी को एक बार फिर से ODI होगा जयपुर के मैदान में, यानी कि 3 ODI मैच की सीरीज होगी। सबसे पहले वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया की, जिसमें अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता में ये मैचेस ODI मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद जो है T20 सीरीज होगी, और T20 मैचेस जो हैं वो पहला 15 फरवरी को इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज खेला जाएगा कटक के मैदान में, और इसके बाद जो है पांचवा मैच यानी कि दूसरा T20 जो है विजाग के मैदान में खेला जाएगा, और आखिरी T20 जो है त्रिवेंद्रम में संडे को 20 फरवरी को खेलता हुआ हमें नजर आएगा। इसके बाद जल्दी से हम दूसरे टूर पर नजर आएंगे। वापस वेस्ट इंडीज का टूर खत्म होते ही नए टूर की शुरुआत होगी, वो है श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया, जिसमें श्रीलंका की टीम भारत आएगी, और जिसमें जो 2 टेस्ट मैच शुरुआत में खेलेंगे, जिसकी शुरुआत 25 फरवरी को होगी। बेंगलुरु के मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच मोहाली के मैदान में खेला जाएगा 5 मार्च को, फिर उसके बाद T20 सीरीज का जो है शुरुआत होगी इन दोनों ही टीमों के बीच में, और जिसका पहला T20 मैच है वो मोहाली के मैदान में ही 13 मार्च को शुरू होगा। 3 T20 मैच की सीरीज होगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो 13 मार्च, 15 मार्च और 18 मार्च को खेली जाएगी। पहला T20 मोहाली में, दूसरा धर्मशाला में और तीसरा लखनऊ में होता हुआ जो है हमें नजर आएगा। इसके बाद जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सीधा जून पर टूर हो जाता है। यहां पर साउथ अफ्रीका टूर ऑफ जो है इंडिया रहेगा, जिसमें साउथ अफ्रीका आएगी भारत, लेकिन जो इससे पहले हमने टूर पे बात करी इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका के बाद, अप्रैल और मई के मंथ में IPL होता है, हम सबको पता है, तो वो हमें फिर से IPL उस महीनों के दौरान होते हुए नजर आएगा, और जिसके बाद IPL के खत्म होते ही साउथ अफ्रीका का टूर भारत की ओर रहेगा, जिसमें जो आप देख पा रहे होंगे 3 T20 खेलेंगे, 5 T20 का यहां पर जो है टूर रहेगा साउथ अफ्रीका का। पहला चेन्नई में, दूसरा बैंगलोर में, फिर नागपुर में, फिर राजकोट, और पांचवा आखिरी T20 जो है वो दिल्ली में होता हुआ हमें नजर आएगा। तो इस तरीके से कुछ फिक्स्चर्स हैं जिसका शेड्यूल है, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, और अब जो है अगली कुछ बातों पर ध्यान देंगे। हम IPL के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से जो है शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है, नए नए मैदानों में इस बार मैच जो है BCCI ने दिया है।
से हमें पता चलता है नागपुर, राजकोट, कटक, विजाग, त्रिवेंद्रम, लखनऊ जैसे मैदानों में ये मैचेस, ये सीरीज होते हुए नजर आएंगे। बहुत ही रोमांचक मैचेस होंगे। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस साउथ अफ्रीका टूर के बाद जो है भारत का जो टीम है वो इंग्लैंड जाएगा। वहां पर उन्हें 3 ODI और 3 T20 के मैचेस खेलने हैं जुलाई के महीने में। ये मैचेस थोड़े नंबर ऑफ मैचेस बढ़ सकते हैं उस टाइम के दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान कुछ हो सकता है मैचेस बढ़ जाएं, लेकिन उसके बाद जो है इंग्लैंड टूर होगा और उसके बाद फिर से जो है विश्व T20 वर्ल्ड कप होगा अगले साल फिर से। तो ये था स्केड्यूल जो BCCI ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है और पूरा होम सीजन जो है 2021 से 2022 का हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा, जैसे ही कोई वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। थैंक यू सो मच।